हेलो नमस्ते शश्री अकाल। आज की रेसिपी कुछ हटके क्विक है। यूं तो हम स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल गार्निशिंग में ही करते हैं, बट आज हम इससे बनाएंगे एक क्रीमी टैंगी मस्टर्ड हिट वाली चटनी। तो चलिए इसे झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग अनियन चटनी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। स्प्रिंग अनियन चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले गैस ऑन कर एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करें और उसे गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है तो अब आप इसमें आधी छोटी चम्मच खरा जीरा, 5-6 पीस लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़कर इसमें डाल दें और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। हरी मिर्च और लहसुन की कलियां अच्छे से भुनकर तैयार है तो अब आप इसमें रफली चॉप्ड स्प्रिंग अनियन डाल दें। यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियन के व्हाइट और ग्रीन दोनों ही पार्ट का इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच नमक डालें और इसे लो फ्लेम पे आप 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से कुक कर लें। इसे आपको सॉफ्ट होने तक पका लेना है ताकि इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर सके। ध्यान रहे कि इसे आपको लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आप फ्लेम हाई करोगे तो स्प्रिंग अनियन जल सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और स्प्रिंग अनियन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप गैस ऑफ कर दें। फ्राइड स्प्रिंग अनियन को आप एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लें और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर आप इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। स्प्रिंग अनियन को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है तो अब हम लिड ओपन करेंगे और आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार किया है और आपको भी इसी तरह का एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है स्प्रिंग अनियन चटनी बनाने के लिए। आप एक बोल लें और उसमें 1/3 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक मस्टर्ड सीड सरसों के दाने डालें, 1/4 टीस्पून पाउडर शुगर डालेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, नमक स्वादानुसार डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने स्प्रिंग अनियन को कुक करने समय भी नमक डाला था तो यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे जिससे कि चटनी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा नींबू का रस डालेंगे और अब आप इन सारी सामग्रियों को एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब आप इसमें आधी छोटी कटोरी थिक हंग कर्ड डालेंगे और आप चाहो तो यहाँ पे सार क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी ये चटनी काफी अच्छी बनकर तैयार होती है। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब आप देख सकते हो कि हमने हंग कर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो अब आप इसमें डालेंगे जो हमने स्प्रिंग अनियन का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे डाल दें और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप देख सकते हो चटनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे चटनी की कंसिस्टेंसी थिक रखी है, आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हो और ये एक टैंगी फ्लेवर की बहुत ही स्वादिष्ट क्रीमी चटनी बनकर तैयार है। अनियन चटनी को आप एज अ डिप और सैंडविच स्प्रेड यूज कर सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।